जय श्रीमन्नारायण। गंगा दशहरा का पर्व आज सभी जगह बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण पृथ्वी लोक पर हुआ था। श्री गलता पीठ में भी परम पूज्य गलता पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अभिषाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में इस पर्व को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो गालब गंगा है उधर उस पर स्थित जो गौमुख है सूर्य कुंड पर, वहाँ पर प्रातः गौमुख का पूजन किया गया और प्रातः से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है। सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर तीर्थ का सेवन किया, स्नान किया। इसके पश्चात यहाँ सीताराम जी मंदिर में भगवान के विभिन्न विग्रहों के दर्शन किए, तत्पश्चात स्वामी जी से आशीर्वाद लिया और यहाँ पर जो स्वामी जी की प्रेरणा से अनवरत जो अन्न क्षेत्र चल रहा है वहाँ पर प्रसादी ग्रहण करी। इसके बाद दान पुण्य किया, गायों को चारा खिलाया। आज सुबह से ही इस तरह का बड़ा ही पावन और बड़ा ही प्रसन्नता देने वाला जो दृश्य है वो यहाँ देखा जा रहा है। आज शाम को यहाँ पर गालब गंगा की आरती की जाएगी। सूर्य कुंड पर गौमुख का पूजन और आरती परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहेंगे, इनके द्वारा यहाँ पर महाआरती की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गंगा जी का आज बड़ा आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, चुनरी महोत्सव मनाया जाएगा। श्रृंगार में गंगा जी को चुनरी साड़ी आदि से सुसज्जित किया जाएगा, आभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा। उनको ऋतु फलों का, शीतल फलों, ठंडे फलों का भोग लगाया जाएगा। उनको फलों को वहां पर कुंड में जो है उनको बहाया जाएगा, उनको तैराया जाएगा। इसके बाद यहां पर सीताराम जी मंदिर में भजन का कार्यक्रम रहेगा जिसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहेंगे। चुनरी महोत्सव में बिहारी जी मंदिर के जो महंत जी श्री नरेंद्र जी महाराज हैं, श्री सचिन जी, श्री प्रवीण जी, उनके परिजन, शिष्यगण, उनसे जुड़े हुए सभी जो उनके अनुयायी हैं, इसके अतिरिक्त दलता जी में जुड़े हुए जितने श्रद्धालुजन हैं, शिष्यगण हैं, उन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा।